फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है और आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो सपना है, सपना और अंशु के बीच में जो कुछ भी चल रहा है। कल की वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि अंशु ने काफ़ी हड़बड़ाहट में एक वीडियो डाला और जिसमें वो काफ़ी परेशान थी, बोल रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा वो वाला वीडियो है, आईडी है, वो मतलब मेरा जो चैनल है वो हैक हो गया है, मेरी आईडी उसकी हैक हो गई है और जो भी मैं उसमें मतलब मुझे कुछ भी पता ही नहीं था। जो वो बता रही थी मैं उसके आपको बात बताना चाह रही हूँ कि क्या हुआ था। वो बच्ची काफ़ी परेशान थी, इतनी परेशान थी मतलब उसका पूरा शरीर जो कांप रहा था, वो काफ़ी घबरा रही थी। वो बोल रही थी कि भाभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हुआ ये था कि भाई जो उसने इसके पहले वीडियो डाली थी कल के मतलब जो उसने वीडियो अपने डाली है कल या परसों के दिन में, उसको उसने 2 घंटे पहले जो वीडियो डाली थी 4 बजे, उस वीडियो में जो भी सपना के खिलाफ हेट कमेंट्स आ रहे थे उसमें काफ़ी सारे लाइक आए हुए थे और लग रहा था वो लाइक काफ़ी एक ही पर्सन ने ज़्यादा टाइम्स किए हुए थे। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। जब ये उसने देखा सपना ने कि देखो अगर अंशु ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है और मेरे चैनल उसने जो उस मेरे हेट मेरे खिलाफ जो हेट आ रहे हैं उसको अंशु लाइक कर रही है, तो सपना को ये जान के काफ़ी दुख हुआ। तभी उसने हड़बड़ाहट में अंशु ने एक अपना वीडियो बनाया और डाला, बोला भाभी ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है किसने किया। और उसने सारी चीज़ एक्सप्लेन भी की, शायद गुजरात से कोई आईडी थी और बोली थी गुजरात से किसी ने ये वाला पासवर्ड डाल के इसको खोला गया है, लास्ट टाइम का मैंने उसका जो वीडियो देखा था वो बता रही थी। तो काफ़ी चीज़ें हुई अभी 2 दिन से, मतलब ये मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने भी वीडियो देखा, मैं अपना पर्सनल पॉइंट रख रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं रिएक्शन वीडियो डालती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कमेंट शेयर करना और आप अपना पॉइंट मतलब शेयर कर सकते हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर मैं ये बताने हूँ कि चीज़ें काफ़ी ख़राब होती जा रही है। सोचते थे कि चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, तो लग रहा है चीज़ें बिगड़ती जा रही है। अब क्यों बिगड़ रही हैं, क्या कारण है? सपना अपने नॉर्मल लाइफ को जीने की कोशिश करती है, पर्सनली ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको इतना हेट मिलने लग जाता है उस चैनल के कारण जो कि सूरज ने बनाया था। जब सूरज ने वो चैनल बनाया था तो किसमें सिर्फ किसी सपना की ही मेहनत नहीं थी, अंशु की भी मेहनत नहीं थी, काफ़ी सारे लोगों की इसमें मेहनत थी। वो मेहनत करके चैनल बनाया गया और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया गया और जब वो चैनल अच्छा खासा चल गया उसके बाद में अब बारी ये आई है कि चैनल किसका होना चाहिए। तो भाई उसका जब सपना कुछ भी अपने घर से लेकर नहीं आई तो सपना के पास ही वो चैनल था और सपना ने ऑलरेडी द रोड शॉर्ट अंशु को दे दिया था, लेकिन पब्लिक तभी भी उसे हेट कर रही थी, बोल रही थी कि सारे चैनल आप लेकर बैठे हुए। तो चलो उसने सोचा ये चैनल भी मैं दे देती हूँ, शायद मुझे पब्लिक की मतलब प्यार मिले, मुझे पब्लिक का प्यार चाहिए, उसके मतलब पब्लिक मेरे बारे में बुरा ना सोचे क्योंकि मैं उतनी बुरी नहीं हूँ, मेरे बारे में बुरा मत सोचो करके उसने वो चैनल भी दे दिया अंशु को। पर अंशु ने लेने से मना कर दिया और सडनली इस बीच में इतनी सारी बातें हो जाती हैं, क्या होता है, क्यों होता है और ये कौन कर रहा है, कौन ये चाहता है कि सपना अब अपने पूरे परिवार से अलग हो जाए, मम्मी पापा से अलग हो गई है। अंशु के जो मम्मी पापा है वो शुरू से उसे पसंद नहीं करते और सपना की उनसे बनती नहीं। अब बात करें अंशु की तो अंशु से उसकी अच्छी खासी थी, अपनी बेटी को मानती थी। 2 दिन पहले जो वीडियो इन्होंने शेयर किया था कि सपना मिलने जाती है अंशु से और अंशु के लिए जो भी चीज़ें उसने बनवाई थी, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह जो भी उसके पास में थी वो उसने अंशु को दे दी थी। अब शायद इस वीडियो को देखने के बाद में जो सपना ने डाली थी तो लोग शायद और ज़्यादा उससे जलन करने लग गए हैं और चाहते हो कि अब सिर्फ अंशु ही बची है जिसको हमें सपना से अलग करना है। हो सकता हो किसी की ये तगड़ी चाल हो, पर यहाँ पर सपना अंशु के ऊपर क्यों नहीं विश्वास कर रही है कि वो बोल रही है भाभी मैंने कुछ नहीं किया, बेचारी वो बच्ची कितनी परेशान है। और फिर हाँ यहाँ पर भी शायद ये किसी की चाल हुई और अंशु को तो काफ़ी सिंपैथी मिल गई कि वो बच्ची है, इतना नहीं समझती है, वो तुम पर भरोसा कर रही है। और सपना को यहाँ पर फिर वापस हेट मिलना चालू हो गई है क्योंकि सपना ने अपने जो उसके साथ लाइव किया था अंशु के साथ उसको डिलीट कर दिया है। मतलब सपना भरोसा नहीं कर रही अंशु पर, किस कारण से? अब इन लोगों के बीच में क्या बातें हुई, क्या इनका चल रहा है कि सपना के पास ऐसा कौन सा प्रूफ आ गया है या किसने कौन सा ऐसा सबूत भेज दिया है कि सपना तैयार नहीं है अंशु पर विश्वास करने के लिए?
तो कुछ ना कुछ ऐसा जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन हो गए हैं सपना का कोई भी वीडियो नहीं आया है। अंशु के वीडियो के बाद में अंशु ने वीडियो डाला था, उसने बोला था भाभी ये सब मैंने नहीं किया है, पता नहीं कौन कर रहा है, कौन चाहता है कि हम दोनों के जो संबंध है वो ख़राब हो जाए, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ मुझ पर विश्वास करो, ये सब भाभी मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत जानती हूँ और बहुत मानती हूँ, मैं इस आपके लिए कभी भी नहीं सोच सकती हूँ कि आपके लिए कोई बैठ कमेंट्स करे और मैं उसको लाइक करूँ। और उस लड़की की आवाज़ में इतना दर्द था, इतना मतलब सच्चाई झलक रही थी, लग रहा था कि सब कुछ वो सही बोल रही है। मुझे तो अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है, मैं तो अभी भी उसकी बात पर विश्वास कर रही हूँ कि वो सही बोल रही थी। अब सपना को ये पहचानना है कि जो उसकी परवरिश है, उसने उसके साथ इतने साल गुजारे हैं, तो क्या अंशु सपना के साथ ऐसा कर सकती है? पर यहाँ पर सभी लोग सपना को ही ब्लेम करने में लगे हुए हैं कि सपना पागल हो गई है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैं आपको अभी लास्ट में भी थोड़ी देर बाद कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़ के बताऊंगी कि सपना पागल हो गई है क्या, सपना के वीडियो अब देखना बंद कर दो, सपना को अनफॉलो कर दो, मतलब पब्लिक में इतनी हेट हो गई है। और सपना को सब लोग जानते हैं कि वो इमोशनली बहुत जल्दी ब्लैकमेल हो जाती है, उसको डिप्रेशन की शिकायत है, अगर उसको ही उसको ज़्यादा हेट करने लग जाए ना तो उसके सिर में प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द होने लग जाता है। तो काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ इस बारे में क्या सोचते हैं कि कौन सही है? एक सिक्के हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे हम लोगों की जो काफ़ी चीज़ें हैं हम लोग भी सिर्फ एक अंदाज़ा और अनुमान लगा सकते हैं, कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर हम वही बोलते हैं ना, कैमरे के सामने की लाइफ और कैमरे के पीछे की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे अभी रितु राठी का और गौरव तनेजा का ही देख लीजिए कि उनकी कैमरे के सामने की लाइफ इतनी अच्छी थी, वो एक लव बर्ड और एक अच्छे आइडियल पेयर माने जाते थे, कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके बीच में ऐसा हो सकता है कि तलाक तक की नौबत आ जाएगी। वैसा ही अब काफ़ी सारे आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए ऐसे वीडियोस चल रहे हैं कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो हम लोग देखते हैं कैमरे के सामने, कैमरे के पीठ पीछे वैसा ही इसका ठीक अपोजिट होता है, बिल्कुल कुछ सही नहीं होता है। तो मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ क्या कमेंट्स आए हैं, और आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए हमारे साथ में, हम भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। और आपके कमेंट्स लिखने से हम थोड़े इंस्पायर होते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हमने बोला, कुछ अच्छा आपने विचार रखे, कुछ अच्छा लोगों को समझाया, कुछ अपना थोड़ा सा पॉजिटिवली उनको समझाने की कोशिश की और उनको अच्छी चीज़ के लिए मोटिवेट किया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, मतलब हमको थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें पसंद करते हैं और देखते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा, ऐसा सही है या गलत है। कौन कौन मानता है कि दर रोज सूरज जी की बेटी आरू को मिलना चाहिए, जब वो बड़ी हो जाए तब सभी लाइक करो ताकि सपना दीदी को भरोसा है हम सभी उनके साथ हैं। एक बार समझ में आ गई कि आज शी कैन नेवर बी हैप्पी, 4 दिन ट्रिप करती है फिर वापस आके रोना शुरू हो जाता है। नॉट ओनली सेड एज सफरर आई एम दिस वर्ल्ड स्टॉप प्लेइंग दिस विक्टिम कार्ड वंपरिंग विद द डैम बस कर परेशान आत्मा। बापरे बाप, इतने इतने कमेंट लोग कहाँ से ले आते हैं, इतने हेट कमेंट्स। भाई वो बच्चे को पढ़ाई करने दे यार, उसका ऑलरेडी एडमिशन लेट, वर्क इनकम्प्लीट में। तो अंशु को सजेस्ट करूँगी कि वो कोई मोबाइल को हाथ में ना ले। बात ये सही है पर यहाँ पर हेट का कोई वजह नहीं है सपना के लिए। सपना जी, सपना दी, नाउ यू आर प्लेइंग सिंपति कार्ड। इफ यू इफ अपने सब कुछ कलर सपना, प्लीज़ इन सब से अंशु को दूर रखो, उसका भी फ्यूचर बनाने का टाइम है। वो हर चीज़ को बहुत टेंशन में ले रही है, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अपना फ्रस्ट्रेशन अंशु पे मत निकालो, तुमसे समझदार तो वो छोटी बच्ची है। सपना, अपने अंशु ज़्यादा समझदार है, तुम अपनी लड़कियों की फिक्र है पर अंशु का नहीं। जिस पर एक सेकेंड में डाउट कर लिया कि वो आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट को लाइक कर रही है। देखिए यहाँ पर गाइस आप सोच रहे हैं ना कितने हेड कमेंट आ रहे हैं, तो सपना को भी कुछ सोचना चाहिए। थोड़ा ही मैं इस बारे में ये बोलूँगी कि अंशु को उस पर
विश्वास रखो, बस यही बोलूँगी। सपना तुम पागल हो गई हो, बेचारी अंशु को क्यों पागल बना रही हो, अंशु को बर्बाद करके ही मानेगी उसके पीछे पड़ गई है। अंशु कितनी समझदार है, वो हर बार वीडियो में कितनी समझदारी से बात करती है, उसको समझे कि बहुत टैलेंटेड है वो। सपना तुम बहुत ज़्यादा नेचुरली बात करती हो, कुछ भी मतलब है वीडियो में कितनी बेचारी है, बताती हो मत करो ऐसा मत करो, तुमने वो घर छोड़ा ना ही भाई, पर बात ख़त्म हो जाती है। तुमने उनका सब्जेक्ट निकालना ही नहीं, सब्जेक्ट निकालना ही नहीं चाहिए। अब तक तो तुम लोग भी अच्छी है, अच्छे ही कमेंट्स कर रहे थे, पर सारी चीज़ें हैं सपना के खिलाफ सब लोग लिख रहे हैं, क्योंकि सपना भी समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए, पता नहीं उसका दिमाग कहाँ हो गया है, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए सारी परेशानियाँ तुम झेला है ना, तो कुछ समझ नहीं पा रही है किस पे भरोसा करे किस पे ना करे। जहाँ कुछ भी किसी से थोड़ी सी चुप हो जाती है ना, तो लगता है उसमें से भरोसा उठ गया। वही सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर भी कमेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। अंशु छोटी बच्ची है यार, लेटर स्कूल विद हर पेरेंट्स एट लास्ट शी ब्लेम्ड अंशु, कॉल शी इज सो टॉक्सिक वुमन, और बाप रे बाप टॉक्सिक वुमन, यू शुड नॉट ब्लेम अंशु अननेसेसरली, लेट हर स्टडी। चारों अंशु को तो बख्श दो, नोबडी हेट यू बट यू आर नॉट ट्रस्टिंग अ गर्ल हू वाज विद यू ऑलवेज, फ्यूचर नहीं है आपकी बेटी, सीरियसली कुछ भी ऐसा बोल बोल के आप कहाँ से कहाँ चली जाती हो, तुम इरिटेट करने लगी हो अभी। ये सारे कमेंट्स हैं, बताओ अभी जो वीडियो डाला था सपना ने उसके, अभी तो पढ़ना भी बेकार है, इतने इतने बेकार कमेंट्स आ रहे हैं, पूछो मत। तो गाइस यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी होती नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब इन लोगों का जो मैटर है वो खींचता हुआ चला जा रहा है, बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। एकदम धागा की जो गांठें हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से उलझ गई हैं, ये रिश्तों की गांठें, अब इन्हें सुलझाना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कुछ अजीब सा एक मन में डर सा लगा हुआ रहता है कि चीज़ें इतनी ख़राब कैसे हो सकती हैं। कभी लगता है अंशु तो काफ़ी समझदार है, अच्छी बातें करी है समझदार वाली, कभी लगता है कि शायद सपना ने इतने धोखे खाए हैं, इतना उसके साथ सब कुछ हुआ है उसके जीवन में ना, अभी दो बच्चियों के साथ अकेली रहती है, तो लगता है कि उसे अभी हर कदम फूक फूक कर रखना चाहिए। क्योंकि जब एक बार ऐसे हमारे साथ कुछ धोखा या घटना हो जाती है ना, तो दूसरी बात हम लोग किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और सपना से बोलेंगे सपना प्लीज़ चीज़ों को समझना सीखो, परखना सीखो, और लोगों पर थोड़ा तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। आप बिल्कुल हर किसी पे विश्वास ना करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो आपको विश्वास करना सीखना होगा। और अंशु को आप अपनी बेटी मानते थे, क्या ऐसी चीज़ हो गई, आपको कैमरे के सामने आके अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत और मुश्किल हो जाएगी। तो गाइस अब कुछ ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।